राधे जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ठाकुर जी की एक और सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। जो ये ड्रेस बनाई है मैंने गुलाब के फूलों से बनाई है। ये देखिए बहुत सुंदर है ड्रेस, इसमें ठाकुर जी बहुत सुंदर लगेंगे। यदि आपको मेरी ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी ड्रेस आपको कैसी लगती है। और दूसरा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, और यदि आपको मेरी ड्रेसेस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपकी ड्रेस कैसी लगी। ये देखिए, और आप ये ड्रेस ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। राधे राधे। ये देखिए, ये मैंने 4 से 5 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बना ली है। अब हमें क्या करना है, ये देखो, 1 2, एक तो नीचे हो गया, एक ये हो गया, तो ये टोटल 3 हो गए। धागा लिया और इसी के अंदर हमें दोबारा निकालना है। ये हो गया 2 बारी, फिर धागा लिया और इसी के अंदर दोबारा, ये हो गया हमारा 3 बारी। एक में हमने 3 बारी निकाल दिया। अब एक चेन बनाई, धागा लिया और ये देखो, ये तो हमने इसमें बनाया था, अब ये वाला छोड़कर नेक्स्ट में एक दो और 3 बना दिया। फिर एक चेन बनाई, चेन बनाने के बाद एक ये छोड़ दिया, ये वाला छोड़कर नेक्स्ट में बनाना है, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर एक चेन, फिर धागा लिया, ये छोड़कर ये वाला छूट गया और इसमें बनाना है 3 बारी, 1 2 3, 3 बारी हो गया। फिर एक चेन, फिर एक छोड़कर एक में, फिर 1 2 3, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखो, इसको यहाँ पर लेके आएंगे, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ बीच में, ठीक है, बीच में आ गया। अब 1 2 3, 3 बनाया, धागा लिया और इसके अंदर 2 बना, ये 1 और 2 बन गए इसके अंदर। अब फिर धागा लिया, अब इसके अंदर हमें 1 बनाया, फिर धागा लिया, फिर जो सेकंड है सेकंड के ऊपर भी हमने 1 डबल क्रोशिया कर लिया, तो ये टोटल हमारे 4 हो गए। 4 होने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे और ये जो ये वाला है ये इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में हमें फिर वही 2 बनाना है, 1 और 2, 2 बनाया, 2 बनाने के बाद फिर धागा लिया और जो फर्स्ट है फर्स्ट में हमें फिर वही डबल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। अब हमें सेकंड आया, सेकंड में फिर वही डबल क्रोशिया कर लेना, फिर एक चेन लेंगे और जो ये है ये वाला इसको हम छोड़ देंगे और इसके अंदर फिर वही हमें 2 बारी बनाना है, 1 2, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी कि ये जो हमने ये 2 चेन बनाई थी यहाँ पर, इसमें हमें 2 बनाने हैं। ये देखो, ये 2 चेन बनाई थी इसमें, यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखो, ये 2 चेन, ये वाली चेन बनाई थी इसमें हमें 2 बनाने हैं, फिर 1 इस पे बनाना है और 1 इस पे बनाना है। इन 2 पे, इस पे 1 हो गया, इस पे आ गया तो 2 हो गया, और इसके अंदर भी हमें 2 बनाने हैं, तो टोटल 4 हो जाएगा।
और जो ये वाला है इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ के फिर हमें इसमें फिर वही दो बनाने, फिर एक दो इस पर एक और इस पर एक, फिर वही दो हो जाएंगे टोटल चार, दो ये हो गई और दो ये, एक ही दो ये हो गए, और फिर चेन बना के यहाँ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है चार का। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो पीछे है ये, इसको यहाँ से वापस लेके और इसका एक बना देना है और फिर एक चेन भी धागा लिया और इसी के अंदर दोबारा, ये हो गए हमारे टोटल दो, ये दो हो गए। दो होने के बाद हमें फिर वही, अब फर्स्ट में जो ये है इसमें बनाना है, तीन हो गए ये, चार, ये कितने थे हमारे टोटल, चार थे ना, तो अरे बीच में एक रह गया, मैं भी कहूँ कहाँ चला गया, एक ये हो गया एक, अब इसके ये तो इसके ऊपर बन गया, अब ये इसके ऊपर हो गया, चार हो गए। चार होने के बाद इसमें एक यहाँ हो गए, टोटल पाँच। पाँच होने के बाद एक चेन बनाई, धागा लिया और इसके अंदर फिर हमें डबल क्रोशिया करना है एक बार और फिर इसके अंदर दो बार, ये हो गया दो बार, और जो ये तीन है ना, एक दो तीन, इन तीनों के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया कर लेना है, तो टोटल पांच हो जाएंगे, एक दो तीन। ठीक है, तो टोटल हमारे ये हो गए पांच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए। पाँच होने के बाद फिर एक चेन, और जो ये है इसको हम छोड़ देंगे और इसके अंदर फिर वही डबल क्रोशिया एक दो बारी बनाएंगे, दो हो गए, फिर धागा लिया और ये एक बार दो बार और ये तीन बार, तो ये टोटल फिर पांच बारी हो गई, फिर चेन बनाई, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये कि एक दो तीन चार पाँच, फिर चेन, एक दो तीन चार पाँच और फिर चेन करके, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए और इसको फिर इसके अंदर से निकाला और ये हो गया। अब एक चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से दोबारा बना लिया, ये हो गया हमारा दो बारी। तो नीचे हमारा तीन पांच बारी था ना, एक दो तीन चार पाँच, तो ये हो गया हमारा दो बारी और एक इसी के ऊपर दोबारा, ये तीन, चार, पाँच, छः, छः हो गए हमारा, छः हो गया। छः होने के बाद फिर एक क्रोशिया किया, एक चेन बनाई और इसके अंदर फिर हमें दो बारी बनाना है, जो सिंगल चेन बना रखी है इसके हमें दो बारी बनाना है, दो बारी डबल क्रोशिया कर लिया हमने, दो हो गया, फिर धागा लिया और ये एक बार, ये हो गया दो बार, ये तीन, सॉरी चार बारी हो गया, ये पांच बारी, छः हो गया, दो दो चार छः हो गया। अब चेन बनाई, फिर इसमें फिर दोबारा वही जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वही है, बीच में दो और फिर एक एक पे बनाते चले जाओ और लास्ट का छोड़ दो।
ये बन गया, दो इस पे बना लिया। अब एक दो तो ये हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ तक एक इस पे सिंगल सिंगल बनाना है, और फिर ये वाला है इसको छोड़कर फिर इसमें दो बना लेना है। जो लास्ट वाला है ये छूटेगा, बाकी पे हमें बनाना है, इसमें दो बनाने हैं, बाकी पे सिंगल सिंगल एक, और इसमें और ये जो है लास्ट ये छूट जाएगा। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर वही जो ये चेन है इसको नीचे से ले जाके, और इसका एक हो गया, एक चेन बनाई, धागा लिया और दो हो गए। दो होने के बाद तीन, चार, पांच, छः और ये सात। नीचे हमारी छः थी तो अब की बार हमारी ये सात हो गई। सात होने के बाद एक चेन बनाई, धागा लिया, और ये वाला है जो ये लास्ट वाला है इसको छोड़ देंगे, और इसके अंदर हमें दो बनाने हैं, एक दो। दो होने के बाद फिर वही एक दो, तीन, चार, ये हो गए दो, दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गए। फिर चेन बनाई, ये दो चेन बन गई, नहीं ये एक हो गई, और इसके अंदर फिर वही दो बारी, एक और दो, दो बारी बनाया, और फिर वही एक एक पे एक बना लिया, एक पे एक बना के, और ये छोड़ देनी है लास्ट वाली छोड़ के, फिर एक चेन बना के, और फिर इसमें दो बनाने, ऐसे करके पूरा राउंड जैसे हमने नीचे बनाया था सेम प्रोसीजर है। बस ये है कि फंदे हमारे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे यहाँ हमारे तीन थे, फिर चार हुए, फिर पाँच हुए, ये छः हुए, अब ये सात हुए। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हम यहाँ पर आ गए, और फिर इसको धागे को इसके नीचे से निकाला, ये दो हो गए, दो का एक किया, फिर एक चेन बनाई, धागा लिया, और इसके अंदर से दोबारा निकाल के इसमें हमें डबल क्रोशिया करना, तो ये हमारे दो हो गए। अब ये हो गए तीन, ये चार, पाँच, छः, सात, दो, चार, ये देखिए ये आठ हो गए हमारे, और ये हमने छोड़ देना है, और एक चेन बनाई, एक चेन बनाने के बाद धागा लिया, और इसी के अंदर से हमें दोबारा एक दो, दो बनाने के बाद फिर वही एक, ये हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हो गए, और फिर एक चेन बनाई, फिर वही बीच में दो बारी, एक, और ये हो गया हमारा दो। ठीक है, ऐसे ही ये बनाना है, ये वाला लास्ट वाला ये छोड़ देना है यहाँ तक बना के, और फिर एक चेन बनाई, ये छोड़ के, फिर इसमें फिर दो, फिर ये एक एक पे एक एक बना लेना है, तो ये टोटल आठ हो जाएंगे।
फिर चेन बनाई, ये लास्ट वाला छोड़ दिया, फिर दो, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखिए कुछ तो मैंने बना लिए हैं, ये देखो ये फूल जो बनाए हैं मैंने गुलाब के बनाए हैं, ये देखो। अब मैं आपको ये बनाना बताती हूँ। इसके लिए मैंने पतली ऊन दी है, ये जो बनाया है ये थोड़ा मोटी ऊन है, और ये जो मैंने येलो कलर की ऊन दी है, येलो और ये वाली जामनी कलर, ये मैंने पतली ऊन दी है, वो इसलिए कि मैंने थोड़ा मोटी से बनाया था तो बहुत बड़ा फूल बना गया था ड्रेस के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसमें बारीक ऊन दी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए जो ये वाला है इस लाइन को छोड़कर जो ये वाली है इसके अंदर हमें इसको बनाना है। ये देखिए ये वाली चेन छोड़ देनी है जो फर्स्ट है, ये देखो ये वाली छोड़कर इस पे हमें बनाना है। यहाँ से क्रोशिया डाला और इसमें से इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद हमें 21 चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ये 21 चेन बना दी। 21 चेन बनाने के बाद ये थोड़ा लूज किया, धागा लिया, और एक तो ये हो गई, दो और तीन, तीसरे पे हमें इसको बना लेना है डबल क्रोशिया। ठीक है, ये डबल क्रोशिया होगा। अब हमें एक दो दो चेन बनाई, धागा लिया, जहाँ पर हमने ये स्टिच एडजस्ट किया था उसी के अंदर हमें दोबारा बना देना है। ये कुछ हमारा वी शेप में बन जाएगा, ये देखो। अब फिर धागा लिया और ये एक छोड़कर, ये देखिए एक छोड़कर दूसरे के अंदर ये एक चेन छोड़ दी और दूसरी चेन में फिर हमें बनाना है डबल क्रोशिया। ये हो गया और फिर दो चेन, एक दो, दो चेन बनाई, धागा लिया, धागा लेने के बाद इसी के अंदर यहाँ पर ये जो है मेरा अंगूठा दिखाई दे रहा है ना, इसकी में दोबारा फिर इसी में बना लेना है। ये हमारे हो गए, एक तो ये हो गई जो ये बनाई थी, एक ये, एक ये दो, एक ये तीन, एक ये यहाँ एक और दो, दूसरी में फिर एक छोड़कर एक बना लेना, एक दो। ये हो गया एक, ये एक हो गई, ये दो, ये तीन, ये चार, चार हो गई। फिर धागा लिया, फिर एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया और इसके अंदर फिर ये हो गई पाँच। ऐसे करके हमें टोटल 11 बनानी है। ये पाँच हो गई ना, एक एक छोड़कर एक एक बनाते जाओ तो ये टोटल हमें 11 बनानी है। और यहाँ जब एडजस्ट करोगे यहाँ चेन नहीं बनानी, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ये टोटल 11 बनानी है। एक ये हो गई, एक एक इधर हो गई, दो तीन चार पाँच, और आगे हमें 6 और बनानी है। ऐसे करके हमें टोटल 11 बना देनी है। ये देखिए जो 11वीं चेन बनानी है वो हमें इसके अंदर बनानी है, ठीक है। ये हो, अब हम इसको पलट लेंगे। अब ये देखो, अब ये टोटल हमें काउंट करके बताती हूँ। एक तो ये हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह। जो 11वीं बनाएंगे वो ये जो ये कहाँ गया, ये जो लूप इसमें हमने शुरू करी थी ना, तो 11वीं स्टिच हमें इसके अंदर करनी है। हमने इसमें देखिए 11वीं इसी के अंदर कर रखी है। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे, घुमाने के बाद इसको इसके अंदर स्टिच कर,
अब हमें डबल क्रोशिया करना है। एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। ठीक है, ये फर्स्ट में हमें सात बार ये डबल क्रोशिया करना है। और जो ये गैप है ये देखिए, ये दिखाई दिया ना, और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दें। फिर धागा लिया और फिर इसमें फर्स्ट में हमें इसमें हमें सात बारी डबल क्रोशिया करना है और बाकियों में हमें छः बारी करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। छः बारी डबल क्रोशिया किया और फिर यहाँ पर हमें इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, फिर धागा लिया, फिर छः बारी फिर डबल क्रोशिया करना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः बारी हो गया, फिर यहाँ पर हमें इसको फिर एडजस्ट कर देना। ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फर्स्ट में हमें सात बारी बनाना है और बाकी हमें छः छः बारी बनाना है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर कट करने के बाद हमें इसको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। जो ये ऊन है इसको एडजस्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस साइड से हमें इसको, यहाँ से तो सीधा हो गया, ये देखिए ये सीधा है, ये उल्टा है। इसको हम ऐसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। हल्के हाथ से इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे। ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ एडजस्ट हो गया। इसको यहाँ दबाते हैं। अब हमें येलो कलर की फिर ऊन लेनी है। एक गांठ लगा लेंगे, ठीक है, और ये देखो इसको घुमाएंगे। ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है तो खुल जाएगा। ये इसको ऐसे किया, ठीक है, ये फूल हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से इसको अंदर डालते हुए, क्योंकि बीच में ये भी ये सारे आने चाहिए। यदि ये सिंगल इसी इसको लेंगे तो ये ऊपर का खुल जाएगा। तो बीच में देखो ये ऐसे डालते हुए, और ये आ गया, ये वाली जो है इसको एडजस्ट करेंगे। और इसमें से ये देखो, इसमें से इसको आराम से हल्के हाथ से निकाल के यहाँ एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया, ये देखो ये हो गया ना हमारा। अब हमें क्या करना है, ये जो एडजस्ट किया है इसको, अब हम ये जो यहाँ पर जहाँ पर हमने एडजस्ट किया था इसके अंदर से निकाल लेंगे। ऐसे करके ये ऐसे, ये रह गया ना, कोई बात नहीं, इसको हम भी बाद में ठीक करेंगे। ठीक है, ये कुछ हमारा इस तरह से फ्लावर हो जाएगा। इस तरह फ्लावर होने के बाद जो ये बचा है धागा, इसको हम कट कर लेंगे। इसको हमने ये यहाँ कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ग्रीन कलर की ऊन लेंगे। ये देखो ये ग्रीन कलर की है, जो ये वाली कलर बनाया हमने ये वही ऊन है।
इसको बड़े सुई में हमने पिरो लिया है। अब इसको यहाँ हाथ रखेंगे इस पर, और यहाँ से ये जो है इसको अंदर ले जाते हुए ऐसे इसमें से इसको निकाल लेना। ये हो गया, देख हो गया ना ये। फिर ऐसे ही यहाँ से खींचना नहीं है ज़्यादा, हल्के हाथ से लेना है। दो दो बारी हो गए, ये हो गया। दो हो गया, ये हो गया तीन, ये चार, ये हो गया पांच, ये टोटल। ये जैसे आपका जैसे भी एडजस्ट करना चाहे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक लाइन में हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये फूल इस तरह हो जाएगा। इस तरह होने के बाद हम इसको यहाँ पीछे निकाल लेंगे धागे को, ये हो गया, और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। इसको एडजस्ट कर दिया, एक बार और कर देते हैं ताकि खुलेगा नहीं। ठीक है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम ये देखो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे जैसे हमने ये फूल बनाया है सेम वही प्रोसीजर से ये वाला फूल बना। यहाँ चैन एडजस्ट की, फिर वही 21 चैन बनाई, फिर तीन छोड़कर डबल क्रोशिया कर लिया, और फिर एक छोड़कर डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर वही एडजस्ट कर देना है। ऐसे करके पूरा राउंड कम्प्लीट, जैसे हम फ्लावर बनाते हैं ना सेम वही प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने कलर इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क कलर, इसमें अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, और ये थोड़ा सा कलर थोड़ा लाइट है तो ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये देखिए ये फ्लावर कितना प्यारा बना, जैसे रियल का फ्लावर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे, इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे, और ये एडजस्ट हो। एडजस्ट होने के बाद इस धागे को थोड़ा लूज़ कर लेंगे, और जो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट जो हमने चेन बनाई थी इसके अंदर इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद धागा लिया और एक बारी इसमें से निकाला, ये देखिए ये दो बच गए। फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में से निकाला, ये तीन बच गए, ये तीन हो गए, एक दो तीन, और ये चार हो गए,
ठीक है। और फिर धागा लिया और ये 5 हो गए, तो ये टोटल 5 हो गए, 1, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 होने के बाद इसमें से इसको सारे को निकाल लेंगे, निकाल लिया और ये लगा दिया और एक दो दूसरा क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह होने के बाद अब हमें इसमें से ये जो ये लूप है ना, इसमें से ये लिया, सॉरी ये धागा इधर किया और इसमें से इसको निकाल दिया, एक हो गया, एक दो दो बनाया और इसमें से ये दो हो गया, फिर एक दो चेन बनाई, फिर ये जो बनाया था हमने ये हो गया, एक दो, फिर जो ये बना रखा ना इसमें से निकालना है, ये धागे को पीछे रखेंगे, ये हो गया एक दो बनाया, फिर इसमें से निकाल लेंगे, एक दो एक दो हो गया, इसमें से एक दो, अब ये इसमें से ये, ठीक है। और फिर एक बारी और फिर हम इसको कट कर देंगे, इसको हमें ये कट कर लिया। कट करने के बाद इस धागे को हम नीचे निकाल लेंगे, ये निकाल लिया और यहाँ पर कहीं भी हम इसको ऐसे करके, ताकि बाहर निकलेगा नहीं, एडजस्ट कर लिया। ये कुछ हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो जाए, देखिए सुंदर लग रहा है ना, ये देखो, ये देखिए ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर, कुछ तो हमने कंप्लीट कर लिया था, अब ये वाला रहेगा। जैसे हमने ये बनाया है सेम प्रोसीजर वही है, ऐसे ही बनाना, ठीक है। देखिए ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है ड्रेस। ये जो ड्रेस है 4 से 5 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है, ये देखिए ये फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। और बनाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है,